नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मेघा जी और आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। रविवार को देवी अहिल्या कैंसर केयर फाउंडेशन द्वारा विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इंदौर के रागवाड़ा से महात्मा गांधी स्टैचू रीगल स्क्वायर तक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस जागरूकता रैली में देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल के तकरीबन सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें, मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ व देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अजय हौडिया इस जागरूकता रैली के दौरान सरकार को सख्त संदेश देते नजर आए। डॉक्टर हौडिया इस विश्व कैंसर दिवस पर सरकार सावधान, आगे कैंसर है कि संदेश के साथ देशवासियों के समक्ष कैंसर बीमारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान की सेवा के लिए हमारी सरकारें शपथ लेती हैं, उसी संविधान के पन्नों में स्वास्थ्य का अधिकार का जिक्र है, मगर दुख की बात है कि इसके विपरीत सरकार और सिस्टम के सहयोग से ही शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, गुटखा का बाजार लगाया जा रहा है, जिससे लोगों को कैंसर हो रहा है। इसके लिए सरकार को सावधान होने की जरूरत है। डॉक्टर हौडिया ने कड़ी आलोचना करते हुए सरकार से सवाल किया कि आखिर कब तक हम अपने भारत माँ के सपूतों को यूं ही जान गंवाते हुए देखते रहेंगे। इस दौरान कैंसर के बेहतर इलाज के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अजय हौडिया ने कहा कि जी, देवी अहिल्या कैंसर केयर फाउंडेशन एक संस्था है हमारी, उसके तहत हम ये रैली निकाल रहे हैं। पिछले 3 साल से हम रैली निकाल रहे हैं, चौथा साल है। और जागरूकता रैली निकालने के पीछे मकसद है कि लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस आए, जो पेस्टिसाइड, जो तंबाकू, गुटखा, ये सब चीज़ें जो खा रहे हैं उससे बचाव करें, उसी से हम कैंसर से निजात पा सकते हैं। और लोगों को पता चले कि कैंसर इतनी भयानक बीमारी है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे लड़ने की ज़रूरत है। हमारे हॉस्पिटल में, देवी अहिल्या हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, जो बिना कीमो, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के इलाज संभव है। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। सरकार को भी इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, कैंसर पे इतना अभी किसी का ध्यान जा नहीं रहा है, जबकि वो महामारी का रूप ले चुका है। सर, कैंसर से आज भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष 17 से 18 लोग कैंसर के नए मरीज हो रहे हैं, और उसमें से इलाज के दौरान ही, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और ऑपरेशन के दौरान ही लगभग 7 से 8 लाख मरीजों की मृत्यु हो रही है। तो ये भयावह आंकड़े हैं। हम कहते हैं कि कोविड होता है तो हम लोग तुरंत उसकी हम रोकथाम करना चालू करते हैं, परंतु कैंसर आज महामारी का रूप ले रहा है और कोविड से कई ज़्यादा गुना मृत्यु हो रही है। हर साल 7 से 8 लाख लोगों की मृत्यु होना कैंसर से एक बहुत बड़ा कारण है। इसके लिए हमारे सरकार को सावधान होने की आवश्यकता है। सरकार सावधान, आगे कैंसर है, ये हमारी एक थीम है। और सरकार को गुटखा, पान, तंबाकू, शराब तो बंद करना चाहिए, साथ के अंदर पेस्टिसाइड के उपयोग कम करना चाहिए। मैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी मैं प्रशंसा करूंगा, क्योंकि उन्होंने पिछले साल एक वर्ल्ड मिलेट डे मनाया, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने अभी मिलेट्स के ऊपर, मोटे अनाज के ऊपर प्रत्येक क्विंटल पर 1000 की छूट दी है। तो ये बहुत अच्छी सरकार ने एक थीम रखी है। परंतु सरकार को जो तंबाकू मुख्य कारण है, क्योंकि ओरल कैंसर जो हो रहा है वो तंबाकू के कारण हो रहा है, तो तंबाकू को सरकार पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो हमें दुकानों पर, जो छोटी दुकानों पे जो तंबाकू बिक रही हैं, वो कैंसर का बहुत बड़ा स्रोत है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज़ इंदौर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।